फ्रेंड्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बोर मॉडल स्टडी कर रहे हैं और बोर मॉडल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आज कंप्लीट में भी आपको बोर मॉडल, उसके एप्लीकेशन, एवरीथिंग जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है वो सब सिखा दूंगा। स्टार्ट करते हैं आपसे, मैं कह रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का बोर मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे मैं कह रहा हूं बोर मॉडल, ठीक है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि यह प्लांक के क्वांटम आपसे में सिद्धांत, ठीक है, पर आधारित आपसे मैं कह रहा हूं है, ठीक है, आधारित है, मतलब बेस्ड ऑन प्लांक क्वांटम आपसे मैं कह रहा हूं थ्योरी। बहुत सी बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर बोलो आधारित है, ठीक है। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, यह केवल सिंगल आपसे मैं कह रहा हूं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, एकल इलेक्ट्रॉन आपसे मैं कह स्पीसीज पर ही लागू आपसे मैं करूं लागू होता है। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन तो नेचुरल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, बोलो हीलियम पे करना है तो एली प्लस, लिथियम प्लस टू आपसे मैं करूं इस तरह से, ठीक है। तो आपको कभी भी इस तरह से ये मिलते हैं तो आप समझ जाओ उनको सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में चेंज किया गया है। उसके बाद तीसरी बात आपसे मैं को बोलो, मैंने कहा बोहर ने अपने बोलो आपसे मैं करो मॉडल, ठीक है, मॉडल में बोलो तीन परिकल्पना है, तीन परिकल्पनाएं, ठीक है, परिकल्पनाएं मतलब हाइपोथेसिस आपसे मैं को हाइपोथेसिस, ठीक है, दी है। और आपसे मैं को वही तीनों हाइपोथेसिस मेन इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मैं कह रहा हूं हम क्या पढ़ रहे हैं यहां, अब बोलो आपसे मैं को हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ऑफ मैंने कहा बोर, ठीक है, बोर आपसे मैं करूं बोर की परिकल्पना है, बोर की आपसे मैं को परी, ठीक है, कल्पनाएं। तो आपसे मैं को बोर की फर्स्ट हाइपोथेसिस देखे, बोलो मैंने कहा प्रथम परिकल्पना, प्रथम परिकल्पना मतलब आपसे मैं को फर्स्ट हाइपोथेसिस की बात करें, फर्स्ट हाइपोथेसिस की बात करें तो बोर कहता है किसी भी एटम के अंदर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर आपसे मैं को नाभिक के चारों ओर बोलो निश्चित वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। मतलब इन्होंने वर्ड यूज किया निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तथा उन वर्ताकार कक्षाओं की ऊर्जा नियत रहती है। तो प्रथम परिकल्पना में क्या कहा, के एल एम एन या एन बराबर वन टू थ्री फोर आप सब कक्षाएं हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के अंदर निश्चित वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसकी ऊर्जा नियत रहती है। आपसे मैं कह रहा हूं बोर के अनुसार आपसे मैं कह रहा हूं एटम में इलेक्ट्रॉन नाभिक के आपसे मैं चारों ओर निश्चित आपसे मैं कहूं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर आपसे मैं कहूं लगाता है, निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तथा इन आपसे मैं कहूं कक्षाओं की ऊर्जा बोलो नियत आपसे मैं कहूं रहती है, ठीक है, नियत बोलो या निश्चित रहती है। इसीलिए आपने देखा कि यहां बोलो आपसे मैं जो के एल एम एन जो मैंने लिखे हैं इनको हम बोलो कोस आपसे मैं कह रहा हूं या कक्षा या हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ये है गणित बोलो बोर की बोलो प्रथम परिकल्पना जो आपको मैंने यहां बताई है।
फिर इस परिकल्पना का गणितीय रूप दिया है, तो मैंने कहा प्रथम परिकल्पना ठीक है का, आपसे मैं कहूं गणितीय रूप का, गणितीय रूप मैथमेटिकल फॉर्म ठीक है ऑफ फर्स्ट हाइपोथेसिस। अगर गणितीय रूप देखें तो आप जानते हैं कि बोलो कोई भी चीज फिजिक्स कहती है, बोलो आप कोई भी चीज तभी सर्कुलर मोशन कंटिन्यू कर सकती है जब उस पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर मैंने आपसे कहा ये अंदर जो है आपका प्रोटॉन है, और आपसे मैं कह रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन है, और अगर आपसे मैं कोई निरंतर चक्कर कर रहा है तो इस पर लगने वाले बलों का योग क्या होगा, शून्य। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, उसका योग क्या होना चाहिए, जीरो। मैंने कहा एफ सी तो फिक्स है, क्या होता है बोलो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्लियर। एफ ई की बात करें तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। मैंने कहा एक क्यू वन तो मेरा क्या हो गया जेड ई प्रोटोन, एक क्यू टू मेरा क्या हो गया माइनस ई हो गया, क्लियर। बिकॉज आपसे भी इस इलेक्ट्रॉन और इसमें नाभिक में तो जितने भी प्रोटॉन होंगे उनके बीच ही होगा, तो आपसे मैं करूं यहां पर एफ ई क्या हो गया के जेड ई अपॉन माइनस ई अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब अल्टीमेटली एफ ई क्या हो गया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। चलो दोनों आ चुके हैं, रख देते हैं यहां पर। आपसे मैं करूं अगर यहां पर रखेंगे तो आपसे मैं करूं मैंने कहा एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस माइनस मैंने कहा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, प्लस माइनस माइनस इधर जाएगा तो प्लस के वी स्क्वायर अपॉन आर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से आर कट हो गया तो एम वी स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये प्रथम परिकल्पना का गणितीय रूप आ चुका है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आपसे मेरे को बोर्ड ने केवल मॉडल दिया, बोलो आपसे अपने मॉडल के द्वारा बहुत सारे एप्लीकेशन भी दिए। जितने भी एप्लीकेशन है आज के टाइम में, किसी भी कक्षा के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, उस कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उस कक्षा की ऊर्जा, एवरीथिंग सब बोर्ड के मॉडल से ही निकाले जाते हैं। इसलिए बोर के मॉडल को हम समझते समय परिकल्पनाओं का गणितीय रूप भी देख रहे हैं। फिर आ जाते हैं बोलो आपसे मैं करूं द्वितीय परिकल्पना, बोलो आपसे मैं द्वितीय परिकल्पना मतलब सेकंड हाइपोथेसिस। बोलो मैंने कहा सेकंड हाइपोथेसिस ठीक है। अगर मैं द्वितीय परिकल्पना की बात करूं तो आपसे बोर कहता है कि आपसे बोलो किसी भी एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन उन्हीं निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन टू पाई के बराबर होता है। आपसे मैं कह रहा हूं बोहर के अनुसार, बोहर के अनुसार आपसे मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन, आपसे मैं कह रहा हूं एटम में आपसे मैं कहूं उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग मतलब एंगुलर आपसे मैं कह रहा हूं मोमेंटम एन एच अपॉन टू पाई के बराबर आपसे मेरे को होता है ठीक है। इसका मतलब इस परिकल्पना का क्या कहना चाहता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बोलो कोणीय संवेग, बोलो आपसे मैं करूं एन एच अपॉन टू पाई, क्लियर। और कोणीय संवेग एम वी आर होता है। और आज के टाइम में आपसे मैं करूं जितने भी कंपटीशन है उसमें यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बिकॉज एन क्या है नंबर आपसे मैं कहूं ऑफ ऑर्बिट यानी कक्षा की संख्या ठीक है। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे मैं कह रहा हूं क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपसे मैं करूं बोहर ठीक है कि बोलो सेकंड कक्षा में कोणीय संवेग होता है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन दिए आपको एक एच अपॉन टू पाई, एक एच अपॉन पाई, एक दिया टू एच अपॉन पाई,
एक दिया आप समय को एच अपॉन आप समय को फोर पाई। देखो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको बोर बोला और कोणीय संवेग बोला, मतलब आपका दिमाग जाना चाहिए सेकंड हाइपोथेसिस में कोणीय संवेग क्या बोला, बोलो एन एच अपॉन टू पाई। अब आपको गिवन क्या है, एन बराबर टू यानी सेकंड कक्षा, अगर सेकंड कक्षा का बोला है तो आपका दिमाग जाना चाहिए कि आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैं एन की जगह बोलो क्या रख दो टू, तो कोणीय संवेग हमने देखा टू एच अपॉन टू पाई, टू से टू कट हो गया एच अपॉन पाई आ गया, टिक कर दोगे आगे बढ़ जाओगे। इसका मतलब ये हुआ ये वेराइटी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खाली ये हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट नहीं याद रखने हैं, बिकॉज हमारा एग्जाम कॉम्पिटिटिव है, हमें ये अप्रोच होनी चाहिए कि एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ओके, लैब असिस्टेंट से लगाकर सेकंड ग्रेड से लगाकर रिट से लगाकर सभी एग्जामों में आपसे मैं बोर की इस परिकल्पना से इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर यह कक्षा पहली दे दे तो बोलो एच अपॉन टू पाई वाला आंसर ठीक हो जाता, अगर यहाँ पर कक्षा थर्ड दे दे तो थ्री एच अपॉन टू पाई हो जाता, मतलब जो पूछे वो आपको करना है, क्लियर। उसके बाद बात करते थर्ड हाइपोथेसिस, मैंने कहा बोर की तृतीय परिकल्पना, तृतीय परिकल्पना की बात करूं आपसे मैं कहूं थर्ड हाइपोथेसिस की बात करूं, ओके, तो इसमें क्या कहता है बोर, किसी भी आपसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, बोलो आपसे में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ट्रांजिशन करता है तो ऊर्जा को उत्सर्जित या अवशोषित करता है। अब रिलीज होगी या गेन होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस कक्षा से किस कक्षा में आ रहा है, अगर वो हाई उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा। यहां मैं कक्षा बोलू ऊर्जा स्तर बोलू बात एक ही है, क्लियर। तो बोलो तृतीय परिकल्पना क्या बताई आपसे मैं करूं बोर के अनुसार, बोलो आपसे मैं करूं यहां पर जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी आपसे मैं करूं एटम, ठीक है, मैंने कहा कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में एक कक्षा, ठीक है, यानी कक्षा मतलब ऑर्बिट से, बोलो मैंने कहा दूसरी कक्षा, ठीक है, में संक्रमण, ठीक है, संक्रमण मतलब क्या करता है बोलो ट्रांजिशन, ठीक है, संक्रमण बोलो करता है, करता है तो ऊर्जा आपसे में उत्सर्जित, ठीक है, या अवशोषित, बोलो उत्सर्जित या अवशोषित करता है, ठीक है, उत्सर्जित या अवशोषित करता है, रिलीज आप करता है या गेन करता है, बोलो यहां पर दो एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैंने कहा आपको ये आपसे मैं करूं नाभिक है और ये कक्षाएं हैं, सपोजेड एक इलेक्ट्रॉन बोलो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आ रहा है तो यहां पर बोलो क्या करेगा ऊर्जा उत्सर्जित, क्या करेगा ऊर्जा उत्सर्जित, क्लियर, बिकॉज हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ रहा है। अगर मैंने कहा किसी भी एटम के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपसे मैं कहूँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो क्या करेगा बोलो ऊर्जा, मैंने कहा अवशोषित, ठीक है, अवशोषित आपसे मैं करूँ करता है। आई होप आपको तीनों परिकल्पनाएं समझ में आई होगी। अगर बोर का जो मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको सबसे पहले ये बातें पता होनी चाहिए कि बोर ने तीन परिकल्पनाएँ कौन सी दी है, क्लियर। और जब तीनों परिकल्पनाओं को जान जाते हैं तो हम स्टडी करते हैं बोलो आपसे मैं कहूं एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ आपसे मैं करूं बोर मॉडल, क्लियर। और आपसे मैं करूं मैंने कहा बोलो बोर आपसे मैं करूं मॉडल, बोलो आपसे मैं कहूं मॉडल, ठीक है, मॉडल के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग एप्लीकेशन की बात करते हैं और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने कहा पहला एप्लीकेशन क्या है, कक्षा की त्रिज्या। आज के टाइम में किसी भी एटम बोलो मैं इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में होता तो उसकी रेडियस बोर के एप्लीकेशन बोर के बोलो आपसे मैं कहूं हाइपोथेसिस से ही निकाली जाती है, तो मैंने कहा रेडियस, ठीक है, ऑफ ऑर्बिट, क्लियर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट की बात करते हैं। तो दो परिकल्पना प्रथम और द्वितीय को यूज करके
पूरे डेरिवेशन के बाद हम जब आप सब निकालते हैं तो 0.529 और मैंने कहा एन स्क्वायर अपॉन जेड और आपसे मेरे को ये फॉर्मूला आता है एंगस्ट्रॉम में। एक तो ये फॉर्मूला मुझे बताता है कि जो रेडियस होती है वो एन के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जेड के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर मैंने कहा एन तो क्या है बोलो, कक्षा की संख्या, ठीक है। कक्षा की संख्या मतलब नंबर ऑफ, आप समय करो नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्लियर। और मैंने कहा जेड क्या है बोलो एटॉमिक, आप समय करो एटॉमिक नंबर, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या होता है बोलो परमाणु, आप समय को क्रमांक। और आप समय को यहां पर क्या बताया एंगस्ट्रॉम में, इसका मतलब किसी भी परमाणु की कक्षा की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है, क्लियर। अब आप समय करो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। केस फर्स्ट, आप समय को यदि बोलो परमाणु समान हो, ठीक है, यानी एक ही एटम, आपसे मेरे को एटम सेम, अगर एक ही एटम के अंदर बोलो अलग अलग कक्षाओं की त्रिज्याओं का आपको करना है तो बोलो मैंने कहा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और मैंने कहा जेड जो है वो अगर आपने बोलो क्या ले लिया समान तो डेफिनेटली आपका R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो आर वन आर टू आर थ्री अगर मुझे कोई कहे वन का स्क्वायर, आपसे मैं कह रहा हूँ क्या करेंगे टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर, तो आप आराम से 149 आंसर ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने कहा अगर हम केस सेकंड की बात करें, यदि आपसे मैं कहूं बोलो कक्षा, ठीक है, यदि कक्षा बोलो की संख्या क्या हो बोलो समान हो, ठीक है, कक्षा की संख्या समान हो यानी अलग अलग एटम में, बात समझ में है। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, अगर n आपका समान कर दिया तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, इसका मतलब हुआ अगर मुझे कोई कहे R हाइड्रोजन वन R हीलियम, आप समय करो R हीलियम वन, बोलो मुझे कोई कहे R लिथियम बोलो वन, यानी सबकी पहली कक्षा की त्रिज्याओं का देखना है तो जेड सबका जानते हैं हाइड्रोजन का वन, बोलो हीलियम का टू लिथियम का थ्री, ऐसे कभी ऑप्शन मिलेंगे नहीं, आपको सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। सिक्स आपसे मेरे को थ्री और टू आपका हो जाएगा, मतलब मैंने क्या किया बोलो सिक्स को मल्टीप्लाई किया तो आपका सिंप्लीफाइड हो गया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद अपन स्पेशल नोट देखें, स्पेशल नोट नंबर वन, मैंने कहा रेडियस, ठीक है, ऑफ एटम, बोलो परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो एक एंगस्ट्रॉम यानी 10^-10 मीटर ऑर्डर की होती है। क्या लिखा मैंने बोलो परमाणु की त्रिज्या। इसी तरह से आपसे मैं कहूं अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, क्या बात करूं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मतलब नाभिक बोलो की त्रिज्या की बात करो तो नाभिक की त्रिज्या बोलो मैंने कहा 1 फर्मी मीटर ऑर्डर की होती है, 10^-15 मीटर की होती है। अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आपसे मेरे को तीसरी तो आप वैसे ही निकाल सकते हो। अगर कोई मुझे कहे कि एरिया ऑफ, आपसे मैं करूँ एटम, क्लियर, आपसे मैं करूँ मैंने कहा एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ एटम बोलो ओके डिवाइड बाई मैंने कहा एरिया ऑफ न्यूक्लियस बोलो क्या होगा, क्लियर। तो मैंने कहा एरिया ऑफ एटम की बात करें, एटम होता गोल गोल, गोल गोल का एरिया होता 4πr², तो एटम का एरिया लेंगे तो एटम की रेडियस लेंगे, और मैंने कहा न्यूक्लियस लेंगे तो न्यूक्लियस की रेडियस लेंगे, क्लियर। 4π से 4π कट हो गया, एटम की रेडियस 10^-1 बोलो एंगस्ट्रॉम में लिया तो क्या हो गया बोलो ये, और आपसे फर्मीमीटर का मतलब आपसे ये मीटर में लिया तो यहां पर भी बोलो मीटर में लेंगे, ये मैंने स्क्वायर किया, ये 10^-20 और 10^-, क्या हो गया बोलो आपका 30, तो इसको कट किया तो हमें पता चला कि एरिया ऑफ आपसे मेरे को एटम इस 10^ आपसे मैं कह रहा हूं 10 times ज्यादा होता है बोलो एरिया ऑफ न्यूक्लियस से, क्लियर। यानी नाभिक की तुलना में बोलो एक एटम का क्षेत्रफल बोलो 10^10 गुना ज्यादा होता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं नंबर फोर्थ, मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ एटम, क्लियर, डिवाइड बाय मैं यहां पर करता हूं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर। यानी यहां पर ऊपर क्या लिखा मैंने बोलो परमाणु बोलो का आयतन, ठीक है, और नीचे क्या लिखा ये बोलो नाभिक बोलो का आयतन का कोई मुझे रेशियो पूछे, कोई दिक्कत नहीं। एटम होता है गोल गोल और गोल गोल का वॉल्यूम क्या होता है 4πr³
क्यूब, आपसे मैं करूँ अगर एटम बोलो का लेंगे तो रेडियस भी एटम की लेंगे और न्यूक्लियस लेंगे तो वॉल्यूम भी न्यूक्लियस का लेंगे। 4π से 4π कट हो गया, 10^-10 का क्यूब और 10^-15 का क्यूब। आपसे मैं कहूँ ये कितना हो गया 10^-30, ये कितना हो गया 45। ऊपर जाएगा तो मुझे पता चल गया वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10^15, बोलो वॉल्यूम ऑफ आपसे न्यूक्लियस। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि वास्तव में किसी भी एटम के अंदर मैक्सिमम पार्ट एमपीटी होता है, छोटा सा भाग अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है, बिकॉज एक एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस से 10^15 टाइम्स ज्यादा होता है। क्लियर? तो आपको मैंने पहला एप्लीकेशन और उससे बनने वाले क्वेश्चन बताए। अगर अपन एप्लीकेशन नंबर 2 की बात करें, बोलो आपसे मैं कहूं नंबर 2 वो है वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे मेरे को इन एनी एटम। क्लियर? कि इन एनी आपसे मेरे को ऑर्बिट, किसी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन का, बोलो मैंने कहा किसी भी बोलो कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, अगर वेलोसिटी की बात करें। अगेन हाइपोथेसिस का यूज करके हम क्या निकालते हैं, वी एन इज इक्वल टू 2.18 इंटू आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बोलो इंटू मैंने कहा 10^6 बोलो जेड अपॉन एन। क्लियर? और ये क्या होगा बोलो मीटर पर सेकेंड। अगेन जेड क्या है बोलो आपसे, जेड तो वही एटॉमिक नंबर और मैंने कहा एन क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्लियर? तो यहां पर भी आप वही क्वेश्चन कर सकते हो जो अभी मैंने बताए थे। अगर आपसे मैं कहूं यहां पर अगर हम सोचे केस फर्स्ट, इफ आपसे मैं को एन क्या हो बोलो, इफ जेड क्या हो सेम, एक ही एटम के अंदर अलग अलग मैं आपको पूछे v1 आपसे मैं कह रहा हूं तो v बोलो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन, अगर जेड क्या हुआ समान तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। अगर मुझे कोई कहे कि v1 v2 v3, यानी आपसे मैं को क्या करूंगा 1 2 और 3। क्लियर? तो आपसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, बोलो यहां पर लिखा 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम बोलते ही सबके लिए जेड क्या हो गया 1। तो यहां पर आपने देखा सिंप्लीफाइड करेंगे तो यहां पर 6 3 और 2, ये भी कर सकते हैं, बात समझ रहे ना, डिपेंड ऑन ऑप्शन। उसके बाद केस नंबर मैंने कहा सेकेंड, इफ आपसे मैं कहूं क्या एन क्या हो सेम, अगर एन सेम हो तो वी क्या होता है जेड अपॉन एन, तो मैंने कहा एन अगर समान होगा तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर मुझे वी हाइड्रोजन 1 पूछे, वी हीलियम आपसे मैं को 1 पूछे और वी लिथियम बोलो आपसे 1 पूछे, यानी तीनों की प्रथम कक्षा के अंदर पूछे तो 1:2:3 हो जाएगा, बिकॉज उस समय आपको केवल जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप आपको दूसरा एप्लीकेशन भी समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो मैंने कहा कक्षा की त्रिज्या। क्लियर? अगर कक्षा की त्रिज्या यानी आपसे कक्षा की ऊर्जा एनर्जी आपसे मैं कहूँ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, अगर कक्षा की ऊर्जा की बात करें तो मैंने कहा यहाँ पर वी एन इज इक्वल टू -13.6 बोलो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और वो किस में बोलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये याद है तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ से एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज कराऊंगा तो ये भी इंक्रीज होगा, बिकॉज यहां पर क्या आ रहा है नेगेटिव, इसलिए आपको ध्यान रखना है एन इंक्रीज करने पर ये भी इंक्रीज होती है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी बोलो आपसे मैं करूं फॉर एनी एटम, किसी भी एटम के लिए हमेशा उसकी पहली कक्षा से ज़्यादा बोलो मैंने कहा दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा से ज़्यादा तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा से ज़्यादा चौथी कक्षा की ऊर्जा होती है। क्लियर? क्योंकि जैसे जैसे एन बढ़ाएंगे तो आपका ये बढ़ेगा, इसीलिए कहते हैं कि बोलो आप एटम के अंदर पहला कक्षा पहला ऊर्जा स्तर, दूसरी कक्षा दूसरा ऊर्जा स्तर, और जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती है ऊर्जा स्तर बढ़ते हैं। क्लियर? बात समझ में आए बोलो। और इसी तरह से यहां पर भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, एक केस फर्स्ट, इफ आपसे मैं यदि क्या हो जेड समान,
जेड समान होगा तो ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और अगर जेड समान कर दिया तो आपका ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कहे कि आप हाइड्रोजन, बोलो फोर हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का मुझे कोई कहे कि पहली कक्षा की ऊर्जा, दूसरी कक्षा की ऊर्जा, तीसरी ऊर्जा की ऊर्जा का रेशियो क्या होगा, तो मैं यहाँ पर बोलो क्या करूँगा, यही करूँगा। ओके, तो मैंने देखा वन, बोलो फोर नाइन, क्लियर। सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बोलो 36, बोलो मैंने कहा नाइन और क्या हो जाएगा फोर। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर मैंने कहा कि सेकेंड यदि बोलो क्या हो आपका n समान हो, n समान होगा तो आपसे मैं कह रहा हूँ जेड ई एनर्जी जो है वो क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन जैसे ही समान हुआ, ओके समान है तो आपका एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर हो जाएगा। ई हाइड्रोजन वन, बोलो ई हीलियम वन, बोलो ई मैंने कहा लिथियम बोलो वन, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, बोलो वन इज टू फोर इज टू नाइन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगर हम केस नंबर थर्ड करें, ये सारे जो केस करा रहा हूं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, आपको क्या पता होना चाहिए, फोर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एक्चुअली बोर्ड ने तो हाइड्रोजन, क्योंकि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नेचुरल एटम होता है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन मैंने कहा परमाणु बोलो के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर कोई मुझे कहे बोलो प्रथम कक्षा की ऊर्जा, प्रथम कक्षा की ऊर्जा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन परमाणु कहते ही मेरे लिए जेड क्या हो गया, वन, और मैं जानता हूँ कि बोलो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस 13.6, और चूंकि जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है तो ई वन इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, बिकॉज प्रथम कक्षा का मतलब एन बराबर वन, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे कहे सेकेंड कक्षा, ठीक है, बोलो कि ऊर्जा हाइड्रोजन के लिए निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, एन बराबर क्या हो गया टू, और जेड तो वन है ही है, ई टू करूंगा तो माइनस 13.6, बोलो एन स्क्वायर है, टू का स्क्वायर क्या होगा फोर, और माइनस 3. बोलो क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, यानी आपसे मैं करूं ये क्या आ गया माइनस 3.4। इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मुझे कोई कहे थर्ड कक्षा बोलो की ऊर्जा हाइड्रोजन के लिए, किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, बोलो बोर्ड ने हाइड्रोजन की स्टडी की ली थी इसलिए मैंने हाइड्रोजन का बता रहा हूँ, ई थ्री इज इक्वल टू माइनस 13.6, थ्री का स्क्वायर करेंगे 9 और माइनस 1.5 आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बोर्ड ने अपने तीनों एप्लीकेशन बहुत अच्छे से बताए कि आपसे मेरे को किसी भी ऑर्बिट के अंदर बोलो एनर्जी कैसे निकाली जाती है, बोलो वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, और रेडियस कैसे निकाली जाती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपसे मैं करूं रिवीजन का सोचे तो स्पेशल नोट में केवल इतना याद रख लो, रेडियस आपसे मैं को के लिए 0.529 बोलो मैंने कहा एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये किस में, बोलो एंगस्ट्रॉन में। दूसरी आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी vn 2.18 इंटू 10 की पावर 6, बोलो मैंने कहा जेड अपॉन एन, और ये किस में, बोलो आपसे मीटर पर सेकेंड में। और तीसरा मैंने कहा एनर्जी की बात करूं, माइनस 13.6 मैंने कहा बोलो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और यहां पर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना है अगर वेलोसिटी में जेड अपॉन एन आ रहा है तो एनर्जी में तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आएगा आएगा, क्लियर। तो इस तरह से आप ये तीन याद रख करके अभी जो मैंने रैपिड फास्ट तरीके से इनका यूज करना बताया वो आप सीख गए होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बोर मॉडल, बोर मॉडल के हाइपोथेसिस, बोर मॉडल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बोर मॉडल की क्या एप्लीकेशन है, उनमें क्या याद रखना है और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एवरीथिंग मैंने आपको सिखा दिया। आप कमेंट करके जरूर बताएं ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और आपसे मेरे को इसी से सारे एग्जाम में क्वेश्चन बोलो बनते हैं, बिकॉज जितना बोलो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही आपके अप्रोच ज्यादा होगी। तो मेरा एक ही हमेशा टारगेट होता है, हमेशा कम याद रखे बोलो, ज्यादा यूज करना, ज्यादा अप्लाइड आपको आना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।